आदमियों को, कुछ लोग सोचते हैं मोटे तो घोड़े से बेच के नहीं सोते, घोड़े से बेच के सोते हैं। अब देखो, मोटा आदमी कभी भी अच्छी नींद नहीं ले पाता है। मोटा आदमी करवटे बदलता रहता है और बहुत सोता है, तभी उसकी थकान नहीं उतर पाती है। बिल्कुल। और हमारे जैसे 4-5 घंटे में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, कई बार तो 2 ही मिनट में बहुत थकान हो रही है तो बस सांसों पर ध्यान दिया, योग निद्रा की, और उसी से 2 मिनट के अंदर ही हमें ऐसा विश्राम मिल जाता है जैसे 2 घंटे सोने से भी ना मिलता हो। तो ये अभी हम 5 अभ्यास मोटापा के लिए बता रहे हैं, तो मोटे भी कम इससे मेदोहर बटी ले लेंगे, वेट गो ले लेंगे, लौकी का या कद्दू का जूस पी लेंगे, पेठे का जूस पी लेंगे, गर्म पानी पी लेंगे, अश्वगंधा के पत्ते खा लेंगे, सुबह उठ करके गर्म पानी में, तेज गर्म पानी में नींबू और पतंजलि का शुद्ध हनी डाल करके पी लो, फिर तो बात ही क्या है। और उसमें थोड़ा तुलसी डाल दो, सिला तुलसी डाल दो, ये सब चीज़ें भी हमने लोगों को उपलब्ध करवाई है। तुलसी की 5 बूंद डाल दो, थोड़ा उसके अंदर नींबू डाल करके पी लो, मोटापा कम हो जाएगा, अनाज नमक मीठा कम कर दो, जंक फूड फास्ट फूड तो छोड़ना ही पड़ेगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ देखो ऐसे, बस श्रीका और कपालभाति साथ साथ चल रहे हैं, फिर ये ऐसे चक्की आसन ऐसे कर लेंगे तो कोई मोटा ही नहीं रहेगा। जो नींद की आपने बात कही कि बीच में नींद खुल जाती है, तो मेधावटी जब आप थोड़ी अनिद्रा है तो 1 गोली, ज़्यादा है तो 2-2 गोली खा लो, इससे मेधावटी से नींद भी बहुत अच्छी आती है, बाइपोलर डिसऑर्डर भी दूर होते हैं, OCD भी दूर होती है, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम, ब्रेन और नर्वस सिस्टम की कमजोरी, सिर में दर्द, ये सब चीज़ें भी ठीक होती है। तो देखो, और ये जो अभी OBCT के लिए अभ्यास करा रहे हैं, इससे डाइजेशन भी अच्छा होता है। तो ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, और ऐसे सीधे लेट करके ये अर्धालासन दोनों पैरों से, एक एक पैर से, तो मैं तो एक एक पैर से करूँगा और निपुण जी दोनों पैरों से करेंगे अर्धालासन। ऐसे शतसहस्र साधना, 100 से 1000 बार तक एक नियम बना लेना। ये सब करने में 20 मिनट लगते हैं, आधा घंटे में ही ये 100 बार तक, 200 बार तक हो जाता है। जितना अधिक वेट बढ़ा हुआ था, ये बटक सिप्स भी हल्के हो जाएंगे, पूरा शरीर हल्का हो जाएगा। और जिनको भी मोटापा है, जब भी प्यास लगे गर्म पानी ही पीना है, अनाज कम खाना, शाक सब्जियाँ फल ज़्यादा खाने, एक एक पैर से दोनों पैरों से अर्धलासन, पादवृत्तासन और ये द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से दोनों पैरों से। तो दोनों ही लाइव एग्जांपल, दोनों का ही लाइव प्रैक्टिस हम यहाँ से कर रहे हैं, एक एक पैर से भी दोनों पैरों से अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन और भस्त्रिका कपालभाति साथ साथ।